हेलो दोस्त, मेरा ना किचन में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं अखिल मित्रा, आज मैं आपसे अमृतसरी कुलचा का एक रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही आसानी से आप घर पे ही बना सकते हैं और बिना तंदूर का। और आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। तो चलिए दोस्त, कैसा बनाया जाता है अमृतसरी कुलचा एक बार देख लेता हूँ। मैंने मैदा लिया है। इस मैदे में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, दो दाना चीनी, घी डालेंगे और डालेंगे साथ में थोड़ा सा तेल। और इसी में हम एक कप के परिमाण दूध डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिला देंगे हम। पहला इस दूध के साथ मैदे को मिलाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें। अब अच्छे से हम मालिश कर लेंगे इस मैदे को। तो मैंने इस तरह से मैदे को मालिश कर लिया। अब ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब तेल के साथ इस मैदे को मालिश करके हम कम से कम 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इस मैदे को। अब एक कपड़े से ढक देंगे हम। जब तक मैदा रेस्ट हो तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ 4-5 बॉयल आलू लिया है। इस आलू को हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और साइड में हम एक पैन चढ़ा दिया। इस पैन में हम डालेंगे अक्खा धनिया, थोड़ा सा हमने अजवाइन लिया है और डालेंगे साथ में अक्खा जीरा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सूखा मिर्ची भी ऐड कर सकता है। हम सूखा मिर्ची नहीं डालेंगे, हम मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे। तो हम हल्का सा रोस्ट कर लिया। आप एक हमालदस्ता में डाल के हम इस मसाले को क्रश कर लेंगे। हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। अब इस कद्दूकस किया हुआ आलू के ऊपर हम सारे मसाले को डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम काला नमक, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा हम अदरक भी लिया है बिल्कुल फाइन चॉप कट के। और इसी में डालेंगे हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो थोड़ा सा हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इस तरह से मिला दिया है सारे आलू का मसाले को। हमारा स्टफिंग रेडी है। अब दूसरे साइड में हम इस मैदे का पेड़ा बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से मालिश हो गया मैदा। तो हमने इस तरह से पेड़ा काट लिया है। हाथों से हम इस तरह राउंड शेप करके हम इस पेड़े को साइड में रखेंगे। और इस तरह से हम बेल की हम स्टफिंग करके थोड़ी देर रख देंगे इस पेड़े को। तो हमने एक चम्मच आलू का स्टफिंग डाल दिया है और अच्छी तरह से हम इसे स्टफिंग कर लेंगे। हम इसका मुंह को अच्छी तरह से बंद कर लेना होगा, ना तो लीक करेगा। बस इस तरह से हम सारे पेड़े बना के 5 से 6 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप साइड से इस तरह हाथों से पतला कर ले तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरह से सारे आलू को स्टफिंग कर लिया है। तो हम 5 से 6 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक रेस्ट हो तब तक हम एक तवा रेडी कर लेंगे। आज हम तवा पे बनाएंगे। तवा को हम पहला हीट कर लेंगे। और मैंने 1 चम्मच नमक में थोड़ा सा पानी डाल लिया है। नमक पिघल गया है और हमारा तवा भी गर्म हो गया है। इस तवा के ऊपर इस तरह से हम नमक का पानी को छिड़क देंगे तो हमने जो कुलचा रखेंगे इसके ऊपर वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा और आसानी से निकल भी आएगा। अब हम इस तरह से इसका ऊपर थोड़ा सा काला तेल ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी हम छिड़क देंगे। अब हमें आराम से इसे बेल लेना होगा। तो मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे चारों तरफ, ताकि पानी रहेगा तो तवा में अच्छी तरह से चिपकेगा। बस अब हाथ से थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक रहे। अब हम इसे उल्टा करके इस आग में सेक लेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं कुलचा हमारा तवा से नहीं छूट रहा है।
तो हम चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह बिल्कुल तंदूर जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं दिखने में। तो मैंने इस तरह से सेक लिया इस कुलचे को, आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है, बिल्कुल तंदूर कुलचा जैसा। एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाता हूँ। अब एक स्लाइसर के मदद से हम इस कुलचे को निकाल लिया है प्लेट में, आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और इसका पीछे का उल्टा साइड में बिल्कुल पक गया है, जैसे कि हम तंदूर से निकाला। आप एक बार ट्राई जरूर करें दोस्त। अमृत शाही कुलचे का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कुलचे का रेसिपी को आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा रेसिपी चाहिए, तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अमृत शाही कुलचा एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे कोई नया रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए।